हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों, आज बठिंडा जा रहे थे मैं और मेरे भाई जय। मेरा आज चेकअप था वहाँ पर, जो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था उसका, तो चेकअप करवाना था दोस्तों, और सेकेंड सीटिंग के लिए टाइम लेना था। और डॉक्टर साहब बताएंगे कि कितने टाइम बाद, 15-20 दिन के आसपास शायद टाइम देंगे और दूसरी बार मेरा हेयर ट्रांसप्लांट होगा, जो पीछे वाला एरिया मेरा रह गया था। बाकी जाकर डॉक्टर से बात करेंगे और दिखाएंगे वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। बाकी वहाँ जाकर मैं शूट कंटिन्यू करूँगा। बाकी दोस्तों, जल्दी में हूँ, निकल रहा हूँ और व्लॉग आपके लिए बनाऊँगा, तो सीधा आपसे मिलते हैं बठिंडा पहुँच कर। तो ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को आज सर लगभग 20 दिन हो गए हैं, और रूटीन तो चेकअप होता है 15 दिन के बाद, वो मैं करवाने आया हूँ। तो आज सर के पास आया था, जो मेरी हेयर ट्रांसप्लांट हुई है सबके सामने है, 20 दिन के बाद इस स्टेज पर है। और सर से मैं डिस्कस कर रहा था कि नेक्स्ट जो सेटिंग है वो कब करें, कैसे करें। तो नेक्स्ट डेट इन्होंने दी है दोस्तों। पहले थोड़ा सा रहता था कि करवाएंगे करवाएंगे, तो फाइनली मैंने करवा लिया। अब सेकंड सेटिंग वो तो मैं खुद जल्दी में हूँ कि हो जाए और फिनिश हो जाए, और जो रिजल्ट है उसके लिए भी बहुत मैं उत्सुक हूँ। तो बाकी सर ने डेट दे दी है, जैसे शेडिंग शुरू हो गई है लगभग। तो सर कह रहे थे कि आपके सर को एक बार वो देख लेंगे अच्छे से, अगर कहीं गैप दिखा तो वो भी फिल कर देंगे। बाकी इन्होंने साइड में भी लाइन बनाई है कि अगर ग्राफ्ट ज़्यादा निकल गए तो एक बिल्कुल स्टाइलिश सी साइड में भी बना देंगे लाइन। बाकी आपको मैं रेगुलरली अपडेट देता रहूँगा अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, जैसे जैसे आगे टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो नेक्स्ट जब हम सेटिंग टू करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट की, तो सर मैं कोशिश करूँगा कि आप थोड़ा दिखा दूँ अंदर से कैसे हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सर से मेरी पहले ही बात हुई थी, तो सर कहते कोई बात नहीं आप कर लेना। तो हमारे भाई आएंगे साथ में, एक वो शूट करेंगे, तो प्रॉपर आपको कोशिश करूँगा मैं दिखाने की जितना भी हो सका, जो अंदर जो टीम है वो कैसे करती है प्रॉपरली, जो मेथड होता है और सबसे मैं शेयर करूँगा। नेक्स्ट टाइम जसविंदर जी आएंगे तो हम इनका पूरा दिखाएंगे कि हम पीछे से बाल कैसे शेव करते हैं, उसके बाद कैसे पीछे से बाल निकालते हैं, और उसके बाद हम कैसे उसको इम्प्लांट करते हैं। तो जस्ट फॉर अवेयरनेस कि हमारे जो ऑडियंस है, जो भी जितने भी लोग हैं, तो उनमें अवेयरनेस फैले है ट्रांसप्लांट की या कैसे किया जाता है और इसका कैसे रिजल्ट आता है। और सबसे बड़ी बात कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिससे ज़्यादातर लोग डरते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, और आप सबको बता दूँ कि बिल्कुल भी नहीं है। मैं बार बार एक बात मैंशन करता हूँ, मेरा कोई ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है कि मैं सर की बार बार ऐड कर रहा हूँ कि सर से मेरे कोई पैसों की बात हुई है। मैंने खुद मेरे दोस्तों को देखा है जो यहाँ से करवा के गए थे, सर मेरे साथ में भी सर कई दोस्त हैं जो मतलब रेगुलरली कहते रहते कि हमने करवाना है, आप पूछ लेना
तो मेरे रेफरेंस से कई आपके पास आए भी हैं, मेरे पास कॉल आई थी, मैंने नंबर भी दिया था, कईयों ने ले लिया था वीडियो में से। तो आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ, यहाँ पर चेक करवाने के लिए आया था। तो नेक्स्ट टाइम मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ ऑपरेशन थिएटर के अंदर, जब हेयर ट्रांसप्लांट प्रॉपरली हो रहा होगा मेरा, तो सर भी होंगे, इनकी टीम भी होगी, आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है, ताकि जो अवेयरनेस है, जैसे कि सर कह रहे हैं, आपको पता चल जाए कि ऐसे होता है। तो बस इतना सा मेरा मकसद है, ताकि जो भी हमारे दोस्त हैं, कोई भी इस चीज़ से परेशान है कि उनके बाल नहीं हैं या कुछ, उनको सर फील होता रहता है कि अजीब सा मेरे गंजापन है, तो कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता सर वो वाला। तो मैं कोशिश करूँगा पूरी कि पूरा एक प्रॉपर एपिसोड ऑपरेशन थिएटर के अंदर हमारे भाई आएंगे, साथ में शूट करेंगे। तो आप छोटी चलिए, छोटी मैं चीजें सर थोड़े डिटेल में साथ बता साथ बताऊंगा, दीजिएगा, साथ साथ बताता हूँ। साथ साथ सर बताएंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए क्या होता है, कैसे होता है, फिर आप आराम से करवा लें। जैसे जसविंदर जी, लोग कहते हैं कि डरते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद स्वेलिंग आ जाती है, हाँ जी, दर्द होता है। ये बताओ कि आप ट्रांसप्लांट के बाद आपको कुछ स्वेलिंग आई थी या कुछ दर्द हुआ था? सर स्वेलिंग तो बिल्कुल नहीं आई। आपकी एक बात मैंने पूरी फॉलो की थी। कई केसेस में आ जाती है दोस्तों, जैसे कई झुके काम करना शुरू कर देते हैं ना, जैसे अपने एयर ट्रांसप्लांट करा के घर पे गए, या कोई वजन उठाने लग गए, या ऐसे अपने मोबाइल देखते हैं। तो मैंने इस बात को प्रॉपर फॉलो किया सर, मैं 2 दिन तो ऊपर फेस, और सबसे अगर बैठना भी है ना, तो सोफा सबसे बेटर है, आराम से पीछे पिल्लो लगा लो। तो वैसे सर मेरे तो 0.5% भी नहीं आई, ऐसा कुछ वही नहीं। है जो लोग प्रिकॉशन अच्छे से लेते हैं, हाँ जी, ज़्यादा 2-3 दिन तक झुकते नहीं है, तो उनको स्वेलिंग की कोई दिक्कत नहीं आती। और जैसे कि इन्होंने भी बताया जसिंदर जी ने कि इनको कोई स्वेलिंग नहीं, तो स्वेलिंग बिल्कुल से, दर्द से, इन चीज़ों से डरने की जरूरत नहीं है। अगर ट्रांसप्लांट करवाना है, मूड बनाए और करवाएं। बिल्कुल करो मेरा बिल्कुल। सिर्फ ये है कि इनके थ्रू बताने का ये मतलब है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। जसविंदर जी बहुत अच्छा हमें कॉपरेट कर रहे हैं, इसीलिए ये वीडियोस बन रही हैं। कोई ऐसी ऐड करने के लिए हम वीडियो नहीं बना रहे, नहीं, मैं पहले ही बहुत मेंशन कर अच्छा से रहा कॉपरेट कर रहे हैं ये। इनके बहुत अच्छे फॉलोअर्स भी हैं, ताकि ये ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचे, बिल्कुल ताकि हेयर ट्रांसप्लांट की अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा सर, बढ़े। कईयों के मन में रह जाता है, कई घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो डरे मत, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, इवन सर जब अपने लास्ट वरी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था मैंने, उसी टाइम आपके साथ वीडियो बनाई थी, तो वो आप सबने देखी भी है। तो फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी हो, घबराए मत, कुछ भी नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल दर्द नहीं होता। बाकी मैं आपको प्रॉपरली सर के साथ ओटी के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर मेरा हेयर ट्रांसप्लांट जब होगा आपको दिखाएंगे, आप चेक करना कैसा हो रहा है और क्या होता है इसमें। देखिए अब सर एक बात जरूर है कि अगर अपने चाहते हैं कि अपना हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा हो, सबसे पहले तो आप घबराए मत, आप यहाँ पर अंदर आएंगे, आपको कोऑपरेट किया जाएगा पूरी टीम की तरफ से, डॉक्टर सर की तरफ से, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, यकीन मानिएगा, क्योंकि मेरे साथ वालों को मिले हैं, और मैं तो पूरा कॉन्फिडेंस में हूँ सर, ऐसा लग रहा है कि आ भी गया। ये सोचते ना कि अभी नहीं आया, अभी आपका आया नहीं, आप पहले बता रहे, ऐसी कोई बात नहीं है, जो हमने देखे अपनी आंखों से रिजल्ट वही आपको बता रहे हैं। तो बाकी सर अपने शूट करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें, दुआ में याद रखें, शुक्रिया।
ऑन द वे है घर की तरफ, बाकी जितना भी लोग होगा आपको दिखा देंगे और आगे शूट करके। बाकी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, भाई शूट कर रहे हैं, तो चलते हैं ठीक है, और आगे मिलता हूँ। तो दोस्तों अपने घर के पास पहुंच चुके हैं, अभी जस्ट पहुंचे हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी मज़ेदार वीडियो व्लॉग्स आने वाले हैं, हॉन्टेड व्लॉग्स, तो ऐसे सपोर्ट करते रहें। वो में याद रखें दोस्तों, बहुत सारा आपको प्यार, गुड बाय, टेक केयर, बहुत बहुत ख्याल रखें, शुक्रिया।